वो सब स्त्रियां जब बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां जब श्री कृष्ण को देखती थी तो मन में आता था कि इसको गोद में लेकर अपना बच्चा बनाए, अपना स्तन पान करें। माने बूढ़ी स्त्रियां जब देखती थी श्री कृष्ण को तो मन में यही विलास हो जाता, क्यों नहीं हमारा बेटा हो गया। बात्सल्य रस वालों को बात्सल्य रस दे देता है, सख्य रस वालों को सख्य रस देता है, और मधुर रस वालों गोपांगनाओं को मधुर रस का संचार कर देता है। अरे अन्य लोगों को तो छेड़ो, पीड़ देखता है श्री कृष्ण को तो मन करता है निपट जाए, पीड़ को पेड़ में मन हो जाता है, पेड़ में मन नहीं होता। जो मनुष्य शरीर है जिसमें पंच कोष है, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, ये पंच कोषात्मक मानव शरीर, लेकिन जिन जीवों को मन नहीं है उसमें भी मन संचार कर दे कृष्ण का भी, और मन होकर के उसे कृष्ण से मिलन की इच्छा हो जाता है, ऐसा श्री कृष्ण का रूप। कहां तक जार बेड़ू ध्वनि सुनी स्थावर जंगम प्राणी, ये श्री कृष्ण की पांच प्रकार की वाणी है आचार्य लोग कहते हैं। कृष्ण कभी बोलते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी चलते हैं, कभी बंसी वादन करते हैं, उनकी लीला माधुरी, बेणु माधुरी, नाम माधुरी, धाम माधुरी, इसे भगवान का माधुरी है। तो ये स्थावर जंगम प्राणी पुलक कंप अश्रुधर, गैया देखती है तो उसकी आंख से आंसू आ जाता है, अरे गैया श्री कृष्ण को चाटने लग जाती है, मोर आ जाते हैं, पक्षी आ जाते हैं। श्री कृष्ण केवल पुरुषों स्त्रियों से प्यार नहीं करता, अकेले रहता है तो चारों तरफ से पशु पक्षी आ जाते हैं, कृष्ण को चाटते हैं, कोई सुनता है, कोई कान पर बैठ जाता है, कोई सिर पर बैठ जाता है, कृष्ण के बहुत परेशान हो जाते हैं। हम लोगों पर एक माछी या मच्छर आ जाए तो कष्ट होता है, भगा श्री कृष्ण गले में बनमाला पहन करके चलते हैं तो भौंरा गुंजार करते रहते हैं, और लोगों को तो खराब लगेगा, और महात्मा लोग कहते हो ये भौंरा ऐसे ही गुंजार कर रहे हैं जैसे वैदिक ब्राह्मण वेद पाठ कर रहा है, स्तुति गान करते हुए जा रहे, ऐसा इनका रूप हुआ। वे सब अस्त्र काम पुलक इत्यादि होने लगता है श्री कृष्ण की रूप माधुरी को देखकर। श्री कृष्ण की रूप माधुरी कैसा है तो श्याम सुंदर अपने गले में जो मुक्ता हार पहनते हैं, श्री कृष्ण का जो मुक्ता हार है वो लगता है कि जैसे आकाश में नील आकाश में बंक पंक्ति लगती है, आप लोग देखें कभी आकाश में बकुला चलते हैं ऐसे माला जैसे, देखें कि नहीं कभी, देखें आप भी देखे हैं कि और कोई देखा है, आप भी देखें। ये देखिए श्री कृष्ण का रूप कैसा, श्री कृष्ण का रूप श्री विग्रह लगता है कि नील आकाश, और उसमें जो मुक्ता माला है सफेद सफेद जो मुक्ता का माला है वो वैसे ही लगता है कि बंक पंक्ति बकुला का पंक्ति, और श्री कृष्ण के मुकुट पर जो मोर पुच्छ पुच्छ है मोर पंख है वो ऐसा लगता है कि नीला आकाश उसमें पंख पंक्ति और उसके ऊपर बिजली चमक रहा है, बिजली ये मोर पंख है बिजली जैसा लग रहा है, नहीं मोर पंख जो है वो ऐसा लग रहा है कि नील आकाश में इंद्रधनुष, इंद्रधनुष देखे हैं ना, कौन कौन इंद्रधनुष देखा, कम लोग देखिए कैसा कैसा ठाकुर जी का रूप है। एक श्री श्री गौरांग महाप्रभु सनातन गोस्वामी श्री कृष्ण के रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं, यहाँ निभृत निकुंज में राधा माधव ने निभृत निकुंज में प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को अपने गोद में बैठा करके प्रिया जी अपने मुंह से इस रूप का वर्णन कर रहे हैं। गौर महाप्रभु कौन है, राधा राधा साक्षात किशोरी जी, राधा भावादिष्ट होकर के, और सनातन गोस्वामी कौन है, लवंग मंजरी, तो लवंग मंजरी से राधा रानी श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हैं। उनका श्रीअंग नीला आकाश बंक पंक्ति
और इंद्रधनुष, उसमें जो पीताम्बर पहने हैं ठाकुर, जो पीताम्बर पहने हैं वो पीताम्बर लग रहा है कि बिजली जैसे चमक रहे हैं। कृष्ण नव जलधर, कृष्ण नव जलधर है, और ऐसा श्री रूप बिजली भी चमक रही है, बंक पंक्ति बकुला का वो कह जाते हैं, हम वर्षा होने से पहले वर्षा का संकेत देते हैं। अब श्री कृष्ण घन नव घन हो गए, अभी नव जल धर, अब वर्षा करें, श्री कृष्ण वर्षा करें, वर्षा किसके ऊपर करेंगे, तो जगत शस्य ऊपर, ये जगत वासी हैं, इनको रूप सुधा का दर्शन करें, जिसको देख रहे हैं। अब वर्षा लीला मृत धार, श्री कृष्ण की जो रूप माधुरी, लीला माधुरी, रेणु माधुरी, धाम माधुरी, ये वर्षा हो रही है। हम सब जीव कौन है, गोपीगण कौन है, तो सस्य है, सस्य कहते हैं धान, धान बिना वर्षा का धान नहीं होता है, उस पर वर्षा हो रहा है। श्री कृष्ण का सार ऐश्वर्य नहीं है माधुर्य, वृंदावन का जो भगवान है ना, ये भगवान ऐश्वर्यशाली नहीं, ताकि जितना ऐश्वर्य भगवान ब्रज में दिखाए हैं उतना मथुरा में दिखाया है ना, द्वारका में दिखाया है, ना सबसे अधिक ऐश्वर्य भगवान ब्रज में दिखाए, लेकिन इसका ऐश्वर्य कोई गिनती नहीं। आप लोग देखिएगा भागवत में जितने राक्षसों का वध ठाकुर जी वृंदावन में किए, लेकिन खबरदार किसी को किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारे, किसी को हाथ से मार दिए, किसी को ओठ से मार दिए, पुतना जैसी राक्षसी को भगवान अपने सबसे कोमल अंग से मार दिए, ओठ से मार दिए, किसी को हाथ से चीर दिए, बकासुर, नगासुर, धेनुकासुर, अरे यहाँ कहाँ तक का है, ब्रह्मा इंद्र सबके हैकड़ी को ठाकुर जी ने तोड़ दिया। ये श्री कृष्ण का जो है माधुर्य सार, ये भगवान का रूप क्या है, तो माधुर्य सार, इसमें केवल माधुर्य है, माधुर्य भगवता सार। यहाँ भगवान का महत्व है, लेकिन महत्व की तरफ किसी की दृष्टि नहीं, हम महत्व नहीं करते, यहाँ मधुर्य है, ऐश्वर्य ज्ञान नहीं। जितना जसोदा जी को भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाए उतना किसी को नहीं, लेकिन जसोदा जी कहती है निगोड़ी हमारी आंख ही खराब हो गई, विकराल रूप को दिखा दिए, सारा विश्व ब्रह्मांड को भगवान अपने मुंह में दिखा दिए, यह देख कर जसोदा जी कहती है ना हमारे लाला में कुछ नहीं, हमारी आंख ही खराब है, हमारा लड़का तो सो दे देखिए, मथुर के आगे ऐश्वर्य छिप जाता, ऐश्वर्य का कोई महत्व ब्रज का यही मिलता है। सखी है केसी मथन मुदारम, गोपियां श्री कृष्ण के साथ आलिंगन करती, चुंबन करती, नोक झोंक करती, लेकिन समझती ये साधारण नहीं है। सखी है केसी मथन मुदारम, रमयम या सह मथन मनोरथ, भावितया सविकारम, खेल रहा है लड़कों के साथ, लेकिन लड़के जानते हैं, देखिए ऐश्वर्य यहाँ इतना गाढ़ माधुर्य है, माधुर्य के आगे ऐश्वर्य बिल्कुल छिप जाता है। अब देखिए इस विश्व ब्रह्मांड में जितने भी भगवत अवतार समूह हैं, वामन का रूप देखिए, त्रिविक्रम कहते हैं, इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को जब वो अपने शरीर में आच्छादित करते नृसिंह का सदा, वो सब भी, यहाँ तक कि जो भी शास्त्रों में वर्णन है भगवान के भगवता, वह सब भगवत ऐश्वर्य अवतार समूह भी जिस माधुर्य रस के लिए छटपटाता रहता है, ये ब्रज में आकर जिसको श्रीमद् भागवत में बार बार वर्णन किया गया है, श्री कृष्ण का रूप है, गोपीगण
गोपियाँ इस रूप का स्वादन करती रहती थी, कृष्ण के गुण का गान करती रहती थी, वर्णन करती रहती थी। जब श्री कृष्ण मथुरा में गए तो मथुरा में जाने के बाद मथुरा की स्त्रियां कहने लगी श्री कृष्ण के रूप माधुरी को देख करके, यही सखी इस भूमंडल में सबसे बड़ भागी गोपीगण है, जिस रूप को हम लोग कुछ क्षण के लिए मिला है वो निरंतर अपने नेत्र में भर कर पार करती रहती है। गोपियाँ कितनी भाग्यशाली, मथुरा की स्त्रियां कहती हैं श्री कृष्ण के रूप माधुरी को देख करके, गोप्य तपह किम चरण जद मोश्य रूपम लावण्य सारयस मूर्धमनन्य शीतम। श्री कृष्ण का रूप, इस रूप सुधा को ये लोग पान करती थी, स्मूर्ध रूप का दृग भी पिबंती, कितने तो नित्य निरंतर, नित्य निरंतर श्री कृष्ण की रूप माधुरी को पान करते 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 कदाचित उनका पलक गिर जाता था, तो पलक गिर जाता था तो पलक बनाने वाले ब्रह्मा को गाली देने लगे, ये रूप माधुरी। कैसे है श्लोक? पूरा श्लोक कैसे है? जग भवान नहीं निकाननम त्रुटि जुगायते त्वाम पश्यता, त्रुटि जुगायते त्वाम पश्यता, त्रुटि ही जुग के समान हो जाता है। श्री कृष्ण की रूप माधुरी की श्री कृष्ण क्या है, तारुण्यामृत, तारुण्यामृत का पारावार। श्री कृष्ण के जुगल रूप माधुरी को देख करके कोई ठाह नहीं लगा सकता, श्री कृष्ण की रूप माधुरी। लावण्य का सार, विधाता की हिम्मत नहीं है सर्व, और श्री कृष्ण जब चलते हैं तो उनके रूप माधुरी से नया नया तरंग निकलता है श्री कृष्ण के, और उसमें भी यदि वंशी ध्वनि है तो वंशी ध्वनि क्या है, तो ये चक्रवात है। तो ऐसे ही रूप कितना सुंदर, उसमें मित्रभंग ललित मुद्रा और उस पर वंशी, और वंशी की आवाज यदि वंशी ध्वनि सुनाई दे दी तो लगता है कि इस रूप समुद्र से एक बवंडर निकल, चक्रवात निकल, और उस चक्रवात में गोपियों का मन उड़ गया। चक्रवात देखे है ना, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें जितनी गोपियों का मन है उसको उड़ा कर धूल कण को उठा देता है, पत्ते छोटे छोटे जो है, इतना बड़ा बड़ा चक्रवात आता है कि लगता है पेड़ को उखाड़ कर देना। तो गोपियों के मन को लेकर के ले जाता है, ले जाता माने कि मन में बड़े प्रकार का तूफान आ जाते, क्या करें क्या करें, रात दिन नहीं आते एक गोपियों, अब उसमें डूब जाती हैं। अब गोपियां मीटिंग करती हैं भगवान श्री हरि के श्री रूप माधुरी को देख करके, गोपियां मीटिंग करती हैं कि कृष्ण का रूप कैसा है, कृष्ण के रूप माधुरी क्या है, वाक रूप की दूजा गुजर लगता है कि कुछ टोना टमाना पढ़ कर निकलता है कृष्ण, गोपियां मीटिंग करती कैसा रूप कृष्ण का, घर से निकलता है तो लगता है कुछ अनुष्ठान करके निकलता है, बाहर कुछ लोग सम्मोहिनी मंत्र जानते हैं ऐसा, तो गोपियां मीटिंग करती है तो लगता है कि घर से निकलने के पहले कुछ मंत्र पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक बार भी यदि कोई इसका रूप देख लेता है तो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, वाक रूप की तो जादू जरूर
फल में परे फकीर ऐसा रूप है। घर से चली कोई गोपी हमको पानी लेकर जाना है, इसका रूप कहीं दिख गया तो भूल गई कि हमको पानी भी ले जाए। अब बउआ आ रही है इधर उधर घूम रहे, क्या हो गया तो पागल ऐसा कि क्या हुई। कृष्ण का ये रूप सखी है और इस सखी है देखो तो सही, जिस रस सुधा का पान करने के लिए हम लोग हमेशा ललायक रहती हैं कि कृष्ण अधरा सब को पान करे। आए बांस में एक तो सबसे वृक्षों में सबसे खराब वृक्ष होता है बांस, न उसमें फल निकलता है न फूल निकलता है, न वो झुकने सिखा बिल्कुल अड़ा रहता है। सबसे निष्कृष्ट जाति का वृक्ष है वो बांस, और उस बांस को भी काट देते हैं, काट करके जला देते हैं, उसको छाती में छेद कर देते हैं। जिस रस को पान करने के लिए हम ललायत रहती है ये अकेले बांस का बसुरी की तरह। श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि अरे उन गोपियों की महिमा जो देखो, ये गोपियां उस रस का पान करती रहती है। गोपियां अपने नेत्र चषकों से श्री कृष्ण रूप माधुरी को हमेशा पान करती है, जगी है तब सुनती देखती रहती हैं, सोती हैं तब देखती हैं। सनातन गोस्वामी से श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं हरी सखी, सनातन गोस्वामी कहते हैं सखी लव मंजरी है सखी, हे सखी कौन तप कैल गोपी गौरा, इन गोपियों ने कौन सी ऐसी तपस्या की। कृष्ण रूप माधुरी पीबो पीबो नेत्र भर, पीते पीते अभाती नहीं, बहुत पीते। एक ऐसा समुद्र है जिस समुद्र में डूबने के बाद निकलने की इच्छा नहीं, ये रूप सुधा। पानी में यदि डूब जाए तो निकलने की इच्छा होती है ना, पानी में यदि कोई डूब गया तो भी निकल। अरे रूप समुद्र एक ऐसा है कि इसमें घुस जाने के बाद निकलने का मन नहीं। पीबो पीबो नेत्र भरी, पियो पियो नेत्र भर, आप पीते पीते और श्लोक गाती महिमा गाती हैं। अरे जे माधुर्य ऊर्ध्वान, इन माधुर्य को देख करके जितने ऊपर के लोग हैं वो भी तो बेहोश है। श्री कृष्ण के रूप माधुर्य देवता लोग देखते हैं, जुगल गीत में आप लोग देखते हैं व्योमयान श्री कृष्ण की रूप माधुरी को देख करके आकाश सारी स्त्रियां स्वर्ग की अप्सराएं अपने पतियों के साथ वृंदावन की आकाश में आ जाते, और पति सामने है लेकिन उनका निधिबंधन खुल जाता है कृष्ण की रूप माधुरी को देख। उनको पता भी नहीं चलता है देवांगनाओं का हमारे पति हमारे साथ है क्या करें, लेकिन वो कहते हैं अरे भाग्य बड़ भाग्य बड़े सुंदरियों को जिन्होंने श्री कृष्ण रूप सुधा का अपने नेत्र में भर भर करके पान करती रहती। अरे कहाँ तक कहें पर व्योम की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी भी मन में कल्पना करती है कि ओ श्री साक्षात नारायण है पर व्योम की अधिष्ठात्री देवता, उन नारायण को भी छोड़कर लक्ष्मी आ जाती है वृंदावन की जंगल में। कहाँ है लक्ष्मी जी, बेलवन में है तपस्या कर रहे, बेचारी तपस्या कर रही है कि हमको कृष्ण एक बार देखे या मैं एक बार देखू, लेकिन आज तक मिला नहीं, कई प्रमाण नहीं है लक्ष्मी को मिला। ये कृष्ण का ये वृंदावन का कृष्ण है ना, वो किसी को दर्शन नहीं देता, यदि कृष्ण को दर्शन करने की इच्छा है तो राधा रानी के डरने लगे। यहाँ कोई भी आ जाए श्री कृष्ण से स्वतंत्र रूप में मिलना चाहता है कृष्ण उसको दर्शन नहीं देता, स्वतंत्र रूप में यदि मिलना है तो चले जाओ पूजा की नौकरानी बन जाओ मिल जाओ, मथुरा में जाना पड़ेगा द्वारिका ब्रज का कृष्ण को यदि दर्शन देना है तो बस एक ही आराधना है प्रिया जो 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 प्रिया, एक ही बस उस श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए किशोरी जी के चरण चिन्ह का अनुभव
गोपी के अनुगति बिना ये ब्रज विलासी श्री कृष्ण आज तक किसी को मिला नहीं। कृष्ण को यदि प्राप्त करना है तो ये श्री कृष्ण को, लेकिन वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी सोचती है कि मैं इतना बड़ी हूँ और गोबर थापने वाली गोपी के पीछे पीछे क्यों छोड़ू। राधा रानी क्या करती है, तो कभी विशुभानु किरण पर जाकर के गोबर थापती है, कभी चिलचिलाती धूप में सूर्य पूजन करने के लिए जाती है, नंगे पैर चल रही है, एकदम साधारण प्रिया जी किशोरी जी का ये रूप देखिए। ब्रज की जो किशोरी जी है ना, एकदम गमार है, गांव की दुआर में कहीं गाय दुहाने के लिए जा रही है, ये है भगवान को खोज दीजिए। दंडकारण्य में पता चल गया था कि साक्षात भगवान दशरथ के लड़के बनकर के अवतार लिए, तो ऐसा होगा भगवान, तो भगवान तो लगा कर कि सब लोग खड़े थे, ऐसा होगा। और भगवान कैसा है, तो नंग धड़ंग मृग छाला पहना हुआ, नंगा बदन, शरीर दुबला, शरीर कपड़ अरे शहर में जटा लगा हुआ, वो देख करके भ्रमे कैसा भगवान। यही है माधुर्य सा, फटे कपड़े में कुछ नाजुक बदन ऐसे भी होते हैं, चमन की हो जिसे धोखा सनम ऐसा भी, ये ऐसे है ठाकुर। चमचमाता हुआ नहीं, ब्रज का ठाकुर क्या है, तो धूल दूसरी श्री अंग मैया जसोदा उनको खूब स्नान कर दी, गहना पहना दी, ठाकुर जी फेंक देते धूल में लोटते, ऐसा धूल धूसरित श्रीयंग वृंदावन बिहारी का। द्वारिका के ठाकुर भले एकदम मोर और मुकुट धारण किए हो, जूता पहने हो, एकदम राजसी भेष में हो, लेकिन हमारा कन्हैया कैसा है, ब्रज का कन्हैया कैसा है। गोपालंगन कर दबे बिहर से विप्राधरे लाज्य से, बिल्लो मंगल ठाकुर कहते हैं कि मैया श्रृंगार कर देती प्यारे श्याम सुंदर की, और श्री कृष्ण क्या करते हैं, गाय के गोशाला के गोबर के कीच में अपने शरीर को लिपट, ये हमारी किशोरी जी एकदम फटी फटीहाल रहती है। विद्यापति जी लिखते हैं, देखली दुखली रूखली भूखली, देखली सखी समेते फूजल कवर में बांध सखी सुंदर अवनिये थे। प्रिया जी को मैंने देखने के लिए गई, तो प्रिया जी कैसी है, तो देखली दुखली, मैंने ऐसी एक दिव्य नारी को देखी, देखा कि श्री कृष्ण के विरह में बिल्कुल दुखी है, देखली दुखली रूखली, कोई वेशभूषा भी नहीं, विरहनी नायिका जैसी केश खुला हुआ, देखली दुखली रूखली भूखली, और देखली सखी समेत ललिता जी सखियों के साथ प्रिया जी बैठी हुई है, आप फूजल कवर उनका केस भी बंधा नहीं हुआ है, ऐसी सुंदरी को मैं ब्रज में देखा, ऐसी प्रिया जी का रूप एकदम बिल्कुल फटिहाल रहती है प्रेम के लिए, उस रूप को देख करके मोहित हो गया। तो इस ब्रज विलासी श्री कृष्ण को यदि प्राप्त करना है तो प्रिया जी का शरण लेना, बिना किशोरी जी की कृपा से प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन नहीं, बस एक ही आराधना है। और प्रिया जी को यदि प्राप्त करना है तो ललिता सखी की आराधना करना है, ललिता सखी को यदि प्राप्त करना है तो रूप मंदिरी के चरण की आराधना करना है। ये ऐसे नहीं मिलेंगे, बिना रूप और रूप बने हुए यदि उस प्रियालाल के दिव्य विहार का दर्शन करना चाहते हैं तो असंभव, ये रूप मंदिरी हाथ पकड़ करके ललिता सखी के पास ले जाएगी, ललिता सखी फिर प्रिया जी के पास, अब प्रिया जी के पास जाएंगे तो प्रिया जी श्याम सुंदर। इस प्रकार के ब्रज का रस है, ब्रज की माधुर्य है, नित्य नूतन चलता है।
इस रूप का वर्णन करते हुए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन करते हैं कि प्रियालाल निवृत्त निकुंज प्रिया प्रियतम का विलास, प्रिया प्रियतम का विलास राधा माधव निवृत्त निकुंज में केली तल पर पुष्प सैया पर पड़े हुए प्रिया जी झपट करके प्यारी श्याम सुंदर को अपने गोद में ले लिया और गोद में लेकर के इनकी रूप माधुरी का वर्णन करते हैं। भगवत रसिक जी कहते हैं, चंदा झपट राह के पकड़त करत आप लोग हो अपरूप पर ग्रहण की जो एक सेकेंड एक थोड़ा सा तिल भी प्रियालाल को मिलने में यदि बाधा होता है तो प्रिया झपट करके प्यारे श्याम सुंदर को पकड़ ले अपरूप पर ग्रहण के जो चंदा झपट राह के पकड़त करत आप लोग हो जानत नहीं इस रहस्य को कोई बड़े बड़े विद्वान नहीं जानते जानत नहीं ज्योतिषी देखत नित्य उपासक लोग भगवत रसिक मिथुन के जापक चाहत नहीं भी हो प्रिया लाल के दिव्य विहार को कभी भी इससे अलग होना नहीं चाहिए। वही यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी मदन सुखद यही मंदिर भीतर है मदनानंद कुंज के वेदी के ऊपर मालती कुसुम कृत केली तल्प पर मालती कुसुम से एक केली तल्प बनाया गया। अहे सुमुखी जबे तुम्हें कृष्णेर संगे हे सुमुखी हे विश्वान नंदनी हे लाडली जी आप कृष्ण का संग प्राप्त करना चाहे मधुर मधुर गुरु गोष्ठी करी भी आना जानते हैं प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर के कान में मीठी मीठी बात सोई मधुर बोल सवनन सुनल प्रिया जी के मुख से निकली हुई बात को प्यारे श्याम सुंदर बड़ी चाव से सुनते हैं। अरे समस्त वेद स्तुति का सार ही तो प्रिया जी की वाणी कान में जाता है। से समय प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी की उस मधुर वाणी को सुन करके रोमांचित हो जाते से समय आमी कबे है फुला कंग व्यंजन करीब तुम्हा है अपील उस समय प्रियालाल के मैं बीजन सेवा पंखा सेवा कर ऐसा मुझे स्वर से कब प्राप्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे अथ कथम पिजामिनी विनीय स्मर सर जर्जरिता पिशा प्रभाते अनुनय वचनम बदंत्रमग्रे प्रणतमपि प्रियमासाय सूयम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
जन जनित गुरु जागर राग कषायित मल सन्निमेषम बहति नयन मनुराग विस्फुट मुदित रसाभि निवेशम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरि आही माधव आही मावद कई तब बादम ताम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। जिस निकुंज रस का फटकार ही सम्मान, जब प्रिया की प्यारे श्याम सुंदर को गाली देती है फटकारती है तो प्यारे श्याम सुंदर आनंद में भी यदि कहीं प्रिया जी सम्मान कर दी तो श्याम सुंदर सोचने लगते हैं कुछ हो गया कोई गलती कर दिया और यदि प्रिया जी डांट दी तो श्याम सुंदर खुश हो जाते याही माध हरि हरि याही माधव याही मावद कई तब बाजम तामनु सर सर सीरुह लोचन या तब विषादम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कज्जल मलिन विलोचन चुंबन विरचित नीलिम दशन वसन मरुणव तव कृष्ण तनोति तनोरन रूपम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम